Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि मोस्टली एग्जाम्स में जो जीए यानी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें जो सरकारी स्कीमें होती है उनसे रिलेटेड सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ सरकारी स्कीमें जो इम्पोर्टेंट हैं और मोस्टली वो स्कीम्स जो मोदी गवर्नमेंट ने सरकार बनने के बाद यानी 2014 के बाद शुरू करी हैं, उन स्कीमों के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कब वो स्कीम लॉन्च हुई और वो स्कीमें किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 2020 का बजट जो था उसमें कौन कौन सी स्कीम की घोषणाएं की गई। अगर हम बात करें 2020 के बजट की तो इसको 1 फरवरी को पेश किया गया था और इसको पेश किया था देश की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उनकी लॉन्च डेट और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो 2014 यानी कि जो नई गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद जिनका अनाउंसमेंट हुआ, इनकी शुरुआत हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये काफ़ी लोकप्रिय योजना है, काफ़ी चर्चा में रही थी ये जब लॉन्च हुई थी और इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 28 अगस्त 2014 और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, उसके बाद अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की तो इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। किसान विकास पत्र योजना की शुरुआत 3 मार्च 2015 को की गई थी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और हम बात करें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तो इसकी शुरुआत 4 नवंबर 2015 को हुई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफ़ी अच्छी योजना थी जो हमारे देश के फार्मर्स हैं, जो किसान हैं जिनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, जिनको नुकसान उठाना पड़ता है, ये उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम थी। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो ये भी जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी और लाभकारी योजना थी। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तो इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तो इसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2014 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें स्किल इंडिया की तो ये भी काफ़ी चर्चित योजना है, जैसे डिजिटल इंडिया है ये भी काफ़ी चर्चित थी, उसी तरह से स्किल इंडिया भी काफ़ी चर्चित थी और इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2015 को, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत आती थी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तो इसकी शुरुआत 8 जनवरी 2017 को गई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं सबसे चर्चित मेक इन इंडिया स्कीम की। जी हाँ, मेक इन इंडिया यानी जो भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी, जो हम विदेशों से सामान खरीदते थे उनको अब इंडिया में ही बनाया जाए ताकि उनकी कीमत भी कम हो और यहाँ पर रोजगार बढ़े, इसलिए मेक इन इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को हुई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। नमामि गंगे, ये भी एक बहुचर्चित योजना है, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था गंगा नदी जो है उसको साफ करना, जिसके लिए काफ़ी अच्छा बजट भी सैंक्शन किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 को। जी हाँ, 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर।
अगर हम बात करें नेशनल बाल स्वास्थ्य की, तो इसकी शुरुआत 10 नवंबर 2014 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, तो इसकी शुरुआत मार्च 2016 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, तो इसमें बहुत ही कम कीमत पर जो मार्केट में जो कंपनीज की दवाई मिलती हैं उनके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्कीम की शुरुआत की गई थी, जहां पर जेनरिक मेडिसिन को काफ़ी कम रेट में अवेलेबल कराया गया था। इसके लिए जन औषधि केंद्र भी खोले गए थे, काफ़ी केंद्र है पूरे देश भर में, तो जहाँ पर लोगों को आसानी से जेनरिक मेडिसिन कम रेट पर अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चर्चित योजना यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। यहाँ पर क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए यहाँ पर इस जो योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमदेव जयते योजना की, तो इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम की, तो इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2015 को हुई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। अब बात करते हैं जो स्कीम जो है जिनकी घोषणा इस साल यानी कि 2020 के बजट में की गई है, जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। तो इसमें जो सबसे पहली स्कीम है वो है विलेज स्टोरेज स्कीम। जी हाँ, विलेज स्टोरेज स्कीम की घोषणा की गई थी और ये जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं वो उनके द्वारा चलाया जाएगा, जिससे क्या है जो किसानों की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, उनका जो अनाज होता है या जो भी स्टॉक होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करने के लिए इस योजना की घोषणा इस बजट में की गई थी, जिसका नाम दिया गया था विलेज स्टोरेज स्कीम। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी जो घोषणा हुई है वो है निर्वीक NIRVIK, इस स्कीम की घोषणा की गई है। इसका जो मेन मोटिव है वो है कि हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसएम्बर्समेंट को अचीव करना, जिसमें क्या है हायर इंश्योरेंस कवरेज मिल सके, रिडक्शन इन प्रीमियर फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर क्लेम सेटलमेंट्स, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ये जो निर्वीक योजना शुरू की गई है जिसकी घोषणा की गई थी इस बजट में, इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम बात करते हैं किसान रेल योजना की। किसान रेल योजना की भी घोषणा की गई है और ये इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन को बनाना, जिससे जो दूध है मीट है फिश है और जितने भी आइटम हैं उनको ट्रेन के जरिए, जिनमें रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे बिल्कुल वातानुकूलित, उनके जरिए भेजा जा सके एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि जो स्टॉक है जो आइटम है चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट हो चाहे वो कोई मीट हो फिश हो जितने भी आइटम हैं वो ख़राब ना हो, आसानी से पहुँचाए जा सकें एक जगह से दूसरी जगह। ये PPP और इंडियन रेलवे के तहत इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और जो चौथी योजना है वो है कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। जी हाँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये आती है और ये दोनों इंटरनेशनल और नेशनल रूट को कवर करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे सीधे मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम जो पांचवी योजना है, जो मुख्य योजना है जिसकी घोषणा इस बजट में यानी 2020 के बजट में की गई है, वो है विवाद से विश्वास। जी हाँ, इसका नाम आप सोच सकते हैं, विवाद से विश्वास जो स्कीम है इसकी जो डेडलाइन है वो 30 जून 2020 है। इसका मतलब, इसका जो मेन मोटिव है वो है जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट टैक्स में उसको रिड्यूस करना। तो ये इसकी जो मेन पॉइंट है वो देखिए, आप देख सकते हैं एडिशनल अमाउंट टू बी पेड इफ अवेल्ड आफ्टर 31 मार्च 2020, बेनिफिट टू टैक्स पेयर्स, देखिए जो टैक्स पेयर्स उनको बेनिफिट करने के लिए यहाँ पर बेनिफिट टू टैक्स पेयर्स इन हुज केसेस अपील आर पेंडिंग एट एनी लेवल। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इसकी मेन मोटिव है। तो ये इस बजट में यानी कि बजट 2020 जिसको 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, उसकी ये पांच मुख्य स्कीमें हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। और जो पिछली कुछ स्कीम्स थी हमने आपको वो भी बताई हैं जो मोदी गवर्नमेंट ने शुरू करी थी 2014 में सरकार बनने के बाद। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनको मोदी सरकार ने 2014 यानी कि चुनाव जीतने के बाद सरकार में आने के बाद शुरू किया था, और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनकी घोषणा 2020 के बजट में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई थी। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। इस तरह की और जानकारी के आप
टेस्टबुक के साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।